नमस्ते जी, धैर्यवान हीलिंग साइंस से मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। दोस्तों, आज 26 दिसंबर है, 3 से 4 दिन बचे हैं दिसंबर के ख़त्म होने पर। तो इन 3 4 दिनों में ऐसा आप क्या कर लेंगे कि आने वाला 2024 का जो जनवरी है और पूरा साल है, आप बहुत अच्छे से हीलिंग कर पाएंगे। हम हीलर्स हर साल हीलिंग करते हैं, बहुत सारे लोगों की हीलिंग करते हैं, बहुत सारी हीलिंग करते हैं, खुद की भी दूसरों की। कितने सारे रिजल्ट मिलते हैं, कई सारे रिजल्ट नहीं मिल पाते। कई बार हम अपनी हीलिंग नहीं कर पाते, कई बार हम दूसरों की हीलिंग नहीं कर पाते, कई बार हम ध्यान लगा नहीं पाते, कई बार हम समाधि को टच नहीं कर पाते। तो इन 4 5 दिनों में आपको कुछ ऐसा करना है जो कि मैं आपको अभी सिखाऊंगा, जिससे आपकी 2024 की हीलिंग बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी। तो चलिए समझते हैं। 5 दिनों में आपको अपना पूरा ध्यान लगाना है अपने सोलर प्लेक्सस पर, मणिपुर चक्र पर, रम, जी हाँ, भ्रामरी प्राणायाम करिए। दोनों कानों में उंगली लगाइए, अंगूठा को रखिए, 3 उंगली आंखों में रखिए, 1 उंगली भौहों के ऊपर रखिए और तुरंत असीम शांति मिलेगी आपको। 21 टाइम्स, 21 बार, जिस समय भी आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं ध्यान रखना। या आप प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं, ताकि आने वाले साल में आप शानदार हीलिंग कर सकें, बहुत अच्छे से अपनी हीलिंग प्रैक्टिस कर सकें। 21 टाइम्स रम मंत्र का अभ्यास करेंगे, पूरी तरह से वाइब्रेट हो चुका होगा आपका मणिपुर चक्र। और अब आपको क्या करना है कि बीते साल में जितनी हीलिंग आपने की, जितनी प्रैक्टिस आपने की, जितने शक्तिपात आपने दिए, उन सारे शक्तिपात को, सारी हीलिंग प्रैक्टिस को, जितने लोगों को आपने ठीक किया है, अपने जिन चीज़ों को ठीक किया, उन सारी चीज़ों को अपनी कल्पना में याद करिए और मणिपुर चक्र में हाथ रखकर इस यूनिवर्स को, इस परमात्मा को धन्यवाद कीजिए। ओ यूनिवर्स, थैंक यू सो मच कि प्रेरणा की मैंने कैंसर ठीक किया। ओ यूनिवर्स, थैंक यू, धन्यवाद कि विभूति का जो पैर की हड्डी टूटी थी, उस हड्डी को मैं ठीक कर पाया आपकी कृपा से। ओ यूनिवर्स, शुक्रिया कि अभिषेक का चेहरे के पिंपल्स का प्रॉब्लम मैं ठीक कर पाया। इस तरीके से आप सारे हीलिंग को याद करेंगे। हीलिंग से मुझे याद आया कि आज 17वां दिन है और मेरे चेहरे का देखो कितना ठीक हो चुका है। 17वां दिन में पहले दिन का अगर आप याद करें, कंडीशन कितनी ख़राब थी, और 17वें दिन चेहरा कितना अच्छा हो चुका है मेरा। आई गेस कि और 15 17 दिन में ये जो थोड़े मोड़े चीज बचे हुए हैं वो भी साफ हो जाएंगे और मेरा रूप रंग पहले से भी ज़्यादा सुंदर हो जाएगा, क्योंकि मैं अपनी स्किन को हील कर रहा हूँ। ये पूरी हीलिंग खत्म होने के बाद स्किन की हीलिंग के बारे में मैं भी पूरा वीडियो बताऊंगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि किसी भी तरह के स्किन प्रॉब्लम को कैसे ठीक करते हैं। चलिए आगे। तो इस तरह से आप सारे अपनी हीलिंग के लिए धन्यवाद करेंगे, सारे शक्तिपात के लिए धन्यवाद करेंगे, जो जो ज्ञान आपने सीखा उसके लिए धन्यवाद करेंगे, और सारे धन्यवाद को एक साथ इकट्ठा करेंगे एक ची बॉल में, और इस ची बॉल को ब्रह्मांड में परमात्मा के चरणों में विलीन कर देंगे। ये बिल्कुल एक खत लिखने जैसा है कि सारी बातों के लिए धन्यवाद किया और इस खत को भेज दिया परमात्मा के पास, और उसके बाद बस इस तरह से हाथ को फैला करके बैठ जाएंगे, क्योंकि वो ची बॉल जो ऊपर पहुँचेगी तो वहाँ से एक असीम रोशनी फूटेगी, इसकी कल्पना आप करेंगे, और उस रोशनी को ग्रहण करेंगे अपनी आज्ञा चक्र में, अपने वसुधा चक्र में, अपने हृदय चक्र में, अपने मणिपुर चक्र में, अपने 6 के 6 चक्रों में आपको इसे ग्रहण करना है, शास्त्रार्थ में नहीं, 6 चक्रों में इस तरह से ऊर्जा को ग्रहण करेंगे। यहाँ पर पूरा मामला धन्यवाद का है, ग्रेटिट्यूड का है, सारा ग्रेटिट्यूड आपको भेजना है, उससे आपको महान शक्तियाँ वापस मिलेंगी, कॉस्मिक एनर्जी मिलेगी, जिसे आपको अपने अंदर ग्रहण करना है। और इस तरह से दिसंबर के आखिरी 4 5 दिनों में जो हर साल किया जाता है, पुराने सारे हीलिंग के लिए धन्यवाद किया जाता है, और इस समय नए शक्तिपात नहीं लिए जाते। मैंने अपने इंस्टाग्राम में बताया है
कि अभी बेटा जो 5-7 दिन 8 दिन बचे हुए कोई नया शक्ति बात मत लेना, पुराने प्रैक्टिस को अच्छे से कर। कोई भी अभ्यास आपने कर रहे हैं उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना इन 4-5 दिनों में। कोई नया कोर्स आपने लिया है और उसका शक्तिपात लेना बचा हुआ है तो उसकी पढ़ाई पहले से कंप्लीट कर लेना, सारे सिंबल्स बनाना सीख लेना, और इस तरह से अपने सारे सिंबल्स की आप प्रैक्टिस करें, हीलिंग प्रैक्टिस की विधाओं की प्रैक्टिस आप करें। ये आखिरी के 4-5-6 दिन जो होते हैं बेटा, हमेशा याद रखना कि ये आधे घंटे की प्रैक्टिस नहीं होती, 1.25 घंटे 1.5 घंटे की प्रैक्टिस आपको रोज़ करना है। ये आखिरी 5 दिनों को आपने जीत लिया तो जनवरी से नए साल में आपकी हीलिंग क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ी होगी, एक नए मास्टर की तरह आप काम करेंगे, बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे। और एक नया चीज़ जो आपको प्राप्त होगा वो ये कि अब आप कम बोलेंगे, अब आप धीरे बोलेंगे। बहुत जगह पे आपको लगेगा कि आपको, जहाँ सारे लोग अपनी ओपिनियन देते हैं, अपनी सलाह देते हैं, अपना मत रखते हैं, वहाँ आप शांत रहना शुरू कर देंगे, आपको ज़्यादा बोलने की इच्छा नहीं होगी। ज्ञान आपको भरपूर होगा लेकिन आप कम बोलेंगे। ये क्षमता आपको इन 5 दिनों के अभ्यास से मिलेगी, कहीं भी आप चुप रह करके भी शांत रह पाएंगे। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जहाँ हमको बोलने का मौका नहीं मिलता है वहाँ हमारा मन बहुत सारी बातें कर रहा होता है, बहुत कलेश कर रहा होता है, बहुत सारी चीज़ें सुन रहा होता है, बोल रहा होता है। तो वही चीज़ आपको यहाँ मिलेगी इस 5 दिन के अभ्यास से। तो अपनी हीलिंग एनर्जी को बढ़ाइए, अपनी क्षमताओं को बढ़ाइए, धन्यवाद ज्ञापन करना शुरू कर दीजिए और आज से ही ये करिए। सबसे उत्तम समय होता है रात को सोने से पहले, या रात को मिस हो जाता है तो सुबह सूरज उगने से पहले। जी हाँ, ये सिर्फ अंधेरे में किया जाता है, सुनने में थोड़ा डार्क लग रहा है लेकिन ये सच है। रात को सोने से पहले या सूरज उगने से पहले ब्रह्मोर्द करिए और आप मुझे धन्यवाद करेंगे जनवरी के शुरू होने के बाद। ये वीडियो संभाल कर रखना बेटा, क्योंकि ये वीडियो आपको जनवरी में, फरवरी में, मार्च में भी काम आने वाला है। आपको समझ में आएगा कि आप अपना ऑरा कितना स्ट्रांग कर चुके हो, कितना प्रभावशाली कर चुके हो। दिव्यता के लिए तैयार हो जाइए। नमस्ते है जी।